हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम। माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, इट्स टाइम फॉर आवर स्टडीज। सो ऑल ऑफ यू गेट रेडी। आवर टुडे शेड्यूल, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, लेसन वन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, कैसे हैं सारे बच्चे? सो व्हाट अबाउट योर स्टडीज, कैसी चल रही हैं आप सबकी पढ़ाई? आप सोच रहे हैं आज मैम कैसे आ गई? तो मैंने सोचा आज मैं आपसे बात करती हूँ कि आप ठीक से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेटा, जब आपकी नोटबुक्स देखी तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। और इतने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स को देख के मेरा मन हुआ कि आपकी एक क्लास मुझे भी लेनी है। तो चलिए आज हम अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई विल टेक योर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, टेक आउट योर बुक, इंग्लिश ग्रामर बुक, दैट इज प्रो ग्रामर प्लस। टेक आउट योर बुक फास्ट। यस, वेरी गुड। एंड योर फर्स्ट लेसन इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स मीन्स इंग्लिश के लेटर्स ए टू जेड, जो आप सबको आते हैं। आफ्टर दैट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्रम। जब हम किसी चीज़ को क्रम से लगाते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। लाइक मैथ्स 1, 2, 3, 4, यही आपकी काउंटिंग का क्रम है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए, बी, सी, डी, ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। पेज नंबर 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वी राइट द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन ऑर्डर ऑफ ए टू जेड। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसका ऑर्डर है ए टू जेड, हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। इफ़ द लेटर्स आर मिक्स्ड अप, अगर सारे लेटर मिक्स्ड हो जाएं, वी कैन पुट देम इन ऑर्डर, हम उन्हें एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उनका क्रम मालूम है। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अंडरस्टूड? समझ में आया बच्चों कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? ए, बी, सी, डी। For example, now I say to you A, M, H, Q. So you'll get confused कि ये कहाँ कहाँ से letters आ रहे हैं। इसलिए हम letters को एक क्रम में सीखते हैं। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। Hope you understood this alphabetical order. Now start your exercise. Look at the pictures and write the letters they begin with. जो बेटा यहाँ pictures दिए हुए हैं आपके book में, उन pictures के साथ आपको लेटर्स मेंशन करने हैं। सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एप्पल। यस, सो एप्पल स्टार्ट्स विद ए, सो यू हैव टू राइट हियर ए। वेरी गुड। आफ्टर दैट सेकंड पिक्चर इज ऑफ बॉय, एंड बॉय स्टार्ट्स विद बी, सो यू हैव टू राइट हियर बी। आफ्टर दैट नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ, आई नो यू ऑल नो वेरी वेल, व्हाट इज दिस? Yes, car. And car starts with C. Very good, beta. Next picture is of doll. And doll starts with D. D-O-double-L. First letter is D. And the last picture is of egg. E-double-G, egg. And egg starts with E. Very good. So now see the magical order. A, B, C, D and E. ये बच्चों आपका बना alphabetical order. Very good. We have letters P, Q, C, H, D. अभी आपको shuffle करके letters दिए हुए हैं. We can write them in alphabetical order. Like C, D, H, P and Q. यस,
अब ये कैसे हुआ? पी क्यू सी एच डी जो लेटर्स दिए हुए हैं बेटा, अब इसमें आपको तो स्पीकिंग्स पता है ए से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, अब इसमें देखिए ए इज़ मिसिंग, बी इज़ मिसिंग, तो फर्स्ट लेटर इज सी, सो फर्स्ट लेटर वुड बी सी, यस। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर सी? डी, सो डी इज़ हेयर। इसी तरह आपके स्पीकिंग्स में देन एफ एच कम्स, देन पी एंड देन क्यू। अगर मिड के लेटर्स मिसिंग हैं तो स्वीकिंस में जो लेटर फर्स्ट आता है आपको उसको ऑर्डर में क्रम में लिखना है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। लुक एट द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, बॉय, कार। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ए बी सी, एप्पल, बॉय, कार, ऑल आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। नाउ Here are some caps and write the next letter on the cap. तो जो missing letters हैं आपके cap में page number 2 में आपको वो लिखने हैं। So this work you will do in your homework. Very easy work for you. I know कि you all will do very easily. Now come on the next question. Question B. Look at the images and write the first letter of each word. So here are some images and you have to write the first letter. So first picture is of horse. Horse starts with H. So we have to write here H. Very good. Now look at the book. Second picture is of lion. Lion means who will tell? Kaun batayega? Who will tell? Vishisht, Radhika, Pavni? Yes? Yes, I am listening. This is lion. And lion starts with L. Very good. Next picture is of dog. Dog means kutta. You also have dog. We have pet dogs also at home. And dog starts with D. Very good, my dear students. Next picture is of zebra. And zebra starts with Z. So what you have to write here? Z. Okay. Now come on the next picture. It's of monkey. Monkey to hum sab dekhte hain. Apne terrace pe aate rehte hain. Hum sab se milne. स्कूल में भी आते हैं, आपके घर पे भी आते हैं। एंड मंकी मींस बंदर, एंड मंकी स्टार्ट्स विद एम। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ एमू। एमू इज अ बर्ड, ये एक पक्षी होता है, एंड एमू स्टार्ट्स विद ई, सो राइट हियर ई। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ यस जिराफ विद अ लॉन्ग नेक, एंड जिराफ स्टार्ट्स विद जी। Very good. Next picture is of ostrich, and ostrich starts with O. So we have to write here O. Next picture is of ant, cheetie. Okay, and ant starts with A. So you have to write here A. And the last picture is of bear. Bear means bhalu. Bear se aap sabko dar lagta hai? ब्रेव स्टूडेंट हैं, आई नो कि आपको डर नहीं लगता। एंड बियर स्टार्ट्स विद बी। ओके, सो राइट हेयर बी। नाउ जस्ट हैव अ लुक, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ हॉर्स, लॉयन, डॉग, जेब्रा, मंकी, एमू, जिराफ, ऑस्ट्रिच, आंट, एंड इन लास्ट बियर। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। Okay, my dear students, so now come on the next question. Question C, page number 3. Arrange the following letters in alphabetical order. Already I have told you कि जब letters in between shuffle करके हमें मिलते हैं तो हमें उनके sequence को देखना होता है. Missing letters भी होते हैं, उन्हें हमें नहीं count करना है और sequence note करना है. First we will solve the first row, after that second row. हम दोनों rows को separately solve करेंगे. So letters are X, D, V, B, S, W, A, T and O. So now according to the sequence, first letter is A. Very good. So write here A. After that B. Very good. And after B, C. But C is not there.
So which letter is there? Next letter? D. Very good. After D, E, F, G, H, all are missing. अब कौन सा लेटर है जो स्वीकेंस में आता है सबसे पहले? जल्दी बताइए. Who will tell? Yes, O. After O, in स्वीकेंस which letter will come? S. Very good. After S, T is there. T, V, W. Yes, then X. According to these letters, हमारा स्वीकेंस क्या बनेगा बेटा? A, B, D, O, S, T, V, W, very good, and X. Very good, my dear students. Now come on the next line. Letters are M, C, Z, E, F, L. And the स्वीकेंस बताइए कौन सा लेटर है यहाँ पर? Yes, C is the first letter. A and B is missing. Yes, very good. After that, E. Yes, after that, F. Very good. Now, G, H, I, J, all are missing. K is also missing. L is there. So, we have to write here, L. After that, M. Yes, and last letter, Z. So, now, sequence is C, E, F, L, M, Z. Very good, my dear students. Now, come on the next question. Number the following words in alphabetical order. See, here are some pictures like sun, as we can see, moon, ball, girl, rose and cat. आपको यहाँ पर इनका sequence नोट करना है. So, अब आप letters दोबारा देखिए. Sun starts with S, M, moon, B for ball, yes, G for girl, very good, R for rose and C for cat. सबसे पहले कौन सा letter आता है? ये जितने letters दिए हुए हैं 6 में से जल्दी जल्दी सर्च करिए and tell me. Yes, ball, B. So, B, ball के आगे आपको 1, जो blank space है वहाँ पर आपको 1 note करना है. After that, after B, C, C for cat. So, cat is our second number. After that, third number is, yes, G, G for girl. Very good. After that, next is moon, M. M, S और R से पहले आता है ना, हमारे English के letters weekends में जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा. After that, M is 4 number, moon is 4 number, 5 number is rose and in last sun, S-U-N, sun. तो आपके जो pictures हैं वहाँ जो blank column है इसी के according आपको numbering करनी है. Now come on the next question, question number E. Try and name 5 birds and put the names in alphabetical order. Let us begin with duck. Already देखिए duck यहाँ पर दिया हुआ है और blanks के space में आपको pictures दिए हैं और वहाँ आपको नेम्स लिखने हैं और जब आप ये नेम्स लिखेंगे बर्ड्स के तो आप देखेंगे वो फिर अगेन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर, इट्स ऑफ विच बर्ड? ईगल. एंड ईगल स्टार्ट्स विद ई. सो राइट हियर ईगल. यस, ई, ए, जी, एल, ई, ईगल. वेरी गुड बेटा. फर्स्ट लेटर you have to write with capital, others letter you have to write in small form. Okay, now recognize this picture, it's of owl. Very good. The spelling is O-W-L. Very good. Now next picture is of, recognize this picture. Who will tell? Jaldi jaldi bataiye. Very good. Parrot. And spelling is P. Boliye mere saath sabhi bache. P A, R, R, O, T, parrot. Very good. Now recognize this picture. This is sparrow. Yes. And spelling is S, P, A, R, R, O,
W. Very good. Now see the Suecans. Duck, eagle, owl, parrot, sparrow. अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी देखेंगे बेटा, तो ये लेटर्स अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वेरी गुड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, टुडेज लास्ट पेज ऑफ योर वर्क. फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू. और आप तो वैसे भी ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं आप, क्योंकि आप ग्रोइंग सोल के स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके लिए फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो आपको पावर देते हैं. यस, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे कोरोना टाइप जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो बीमारी आती हैं, उनसे हम स्ट्रांगली लड़ सकते हैं. वेरी गुड. नेम योर फेवरेट फ्रूट. सो हेयर आर थ्री फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स. नेम योर फेवरेट फ्रूट. माइन इज मैंगो. और आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है, आई डोंट नो आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, वो आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखना है. मे बी मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स के अलावा आपका कोई फेवरेट फ्रूट हो, आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड बिलो राइट द नेम्स ऑफ फाइव फ्रूट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपको फ्रूट्स नेम लिखने हैं, बट रिमेंबर यू हैव टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. वेरी गुड. ऑलरेडी फर्स्ट फ्रूट इज गिवन हियर, एप्पल. उसके बाद यस, बनाना, वी कैन राइट हियर बी. यस, आफ्टर दैट ग्रेप्स. यस, क्योंकि जी, जी फॉर ग्रेप्स, बी फॉर बनाना के बाद आता है. आफ्टर दैट मैंगो. यस, एंड वी कैन राइट हियर आफ्टर एम पपाया, क्योंकि पी एम के बाद आता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यस, तो स्पीकिंग सब क्या बना बेटा हमारा, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो एंड इन लास्ट पपाया. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर जी, मैच द फॉलोइंग इमेजेस विद द लेटर्स दे बिगिन विद. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, कार, बाइक, मोटर बाइक, ट्रेन, बस. आपको इनके लेटर्स से इनको मैच करना है. एंड पेज नंबर 5 इज योर होमवर्क अगेन. बेटा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है. ए से स्टार्ट होके आपको अपने पेंसिल को जेड तक लेके जाना है. और जब आप ए टू जेड, आपको कोई पिक्चर ड्रॉ नहीं करना, आपको सिर्फ लेटर्स पे चलना है स्टेप बाय स्टेप, ए बी सी. और जब बेटा आप जेड तक पहुंचेंगे तो यू विल सी अ मैजिक. एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने आएगा और उसके बाद आपको उसे कलर करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क माई डियर स्टूडेंट्स. आई होप आपको आपका ये चैप्टर समझ में आया होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और अब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आप सब अपना वर्क करेंगे. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क के साथ आज आपने एक चैप्टर भी सीखा. और उसके साथ आपने क्या सीखा, आपने देखिए बर्ड्स नेम सीखे, आपने फ्रूट्स नेम सीखे. ओके, आपने बहुत सारे पिक्चर्स देख के उनके स्पेलिंग सीखे हैं. तो अभी आपको आपके होमवर्क में इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में 5 फ्रूट्स नेम और 5 बर्ड्स नेम जो आपके इस चैप्टर में आए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द क्लास. एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट आवर वर्क. डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर नोटबुक वर्क. Write fruit's name and bird's name and book work and your homework also. Okay, my dear students, see you in the next class with some interesting topic. Till then, take care, stay at home. God bless you.